तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए, अपनी राजनीति के लिए और अपनी संस्कृति के लिए भारत में एक किस्म की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा इसको दिया जा सकता है, जो इस जिसका जो इलाहाबाद का महत्व है भारत के इतिहास में भी, भारत की संस्कृति में भी। और अगर हम लोक संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं सिनेमा का जो संगीत है, अगर हम आज की तारीख में ये कहें कि हमारे दौर का वो लोक संगीत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से सिनेमा, हालांकि सिर्फ 125 साल पुराना मीडियम है और ख़ासकर हमारे यहाँ सिनेमा संगीत जो है उसको तो 100 साल भी नहीं हुए, 90 साल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उसने बाकी सारे कल्चरल मीडियम्स को ओवरशैडो किया, तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं सिनेमा का जो संगीत है कहीं ना कहीं किसी लोक संगीत से कम नहीं है हमारे दौर के। हम शादी ब्याह की बात करें, हम अपने कल्चरल इवेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं आपको केवल सिनेमा के गीत ही नज़र आते हैं, जो पुराने लोकगीत तो कहीं ना कहीं गायब हो गए या सिनेमा में आ गए। उसका एक कारण ये रहा कि सिनेमा का जो फॉर्मेट था और जो इम्पैक्ट था वो शायद बाकी सब मीडियम से बहुत बड़ा था, और सिनेमा ने एक बहुत बड़ा काम किया आर्काइव करने का, हमारे दौर की संस्कृति को आर्काइव करने का। हमने कबीर को कभी नहीं सुना कि कबीर कैसे गाते थे, क्या बोलते थे, हमने पढ़ा है कि हाँ कबीर थे, हमने मीरा को कभी नहीं सुना कि वो क्या गाती थी, लेकिन हमने अनिल विश्वास को तो सुना है, हमने लता मंगेशकर को सुना है, हमने रफ़ी साहब को सुना है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, मदन मोहन जी का म्यूज़िक सुना है। तो हमारे पास सिनेमा ने कहीं ना कहीं हमें एक आर्काइवल वैल्यू दी, हम अपने दौर के इतिहास को संजो के रख पाए, खासकर सांस्कृतिक इतिहास को, और ये सिनेमा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस सिनेमा में, इस संस्कृति में, इस संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए सिनेमा का जो संगीत था वो कहीं ना कहीं सिनेमा का बाय प्रोडक्ट था, जो सिनेमा के गीत थे वो सिनेमा से निकले थे, लेकिन उनकी जो एक रीच थी, उनकी जिस किस्म की आवाम में पहुंच थी, उन्होंने कहीं ना कहीं वो उस जगह से, सिनेमा से बड़ी जगह अपनी हासिल कर ली। आज की तारीख में आपको फिल्म याद नहीं रहती लेकिन गीत याद रहते हैं। तो जो गीतों की जो एक सिनेमा संगीत की और सिनेमा के गीतों की जो वैल्यू है, वो आज की तारीख में हमारे कल्चरल हिस्ट्री के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं इस संस्कृति को, इस सिनेमा संगीत की संस्कृति को बनाने में जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, अनिल विश्वास को तो हम भारतीय फिल्म संगीत का पितामह कहते हैं, वो सिनेमा के शुरुआती दौर 30 के दौर से जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया तब से वो संगीत देते आए और बहुत लंबी पारी उनकी रही, और जिस किस्म का एक स्कूल उन्होंने क्रिएट किया, कहीं ना कहीं आज तक भी उस स्कूल को फॉलो किया जा रहा है, उस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन को, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय लोक संगीत को सिनेमा में दर्ज किया, जिस तरह से उन्होंने शास्त्रीय संगीत को सिनेमा में दर्ज किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे बहुत सारी पॉपुलर कल्चरल फॉर्म्स को, कवाली को, मुजरे को सिनेमा में दर्ज किया, गज़ल को, तो वो बहुत एक अनूठा योगदान अनिल विश्वास का रहा, और कहीं ना कहीं वो उस सांस्कृतिक इतिहास की नींव रखने वालों में सबसे प्रमुख नाम थे। तो आज की तारीख में भी उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो रिलेवेंस है, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे उस इतिहास की नींव वहाँ रखी गई, और बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बहुत से वो आज भी उसी को फॉलो करते आए हैं, उसी स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं। खासियतों पे है सिनेमा की, तीन म्यूज़िक मेकर्स पे है, अनिल विश्वास, मदन मोहन और सी रामचंद्र। सिनेमा संगीत का जो गोल्डन सुनहरी दौर जिसको कहते हैं, 1948 से लेके और 1970 तक कह लीजिए, और 5-7 साल इधर उधर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, तो ये तीनों उस दौर के बहुत बड़े फ्लैग बेयरर्स रहे, ध्वजवाहक रहे, उस दौर में के सबसे बड़े नाम रहे। और एक जो सबसे बड़ी खास बात थी कि तीनों अपने अपने क्षेत्र में अव्वल थे, और तीनों के पास अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक फैक्टर था जो तीनों को एक दूसरे से अलग करता था, और कहीं ना कहीं वो अपने डोमेन में शायद सबसे बेस्ट रहे। अगर हम अनिल विश्वास की बात करें तो जिस तरह के जॉनर्स वो सिनेमा में लेके आए, फोक को जिस तरह से लेके आए, बंगाली म्यूजिक को जिस तरह से लेके आए, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन को जिस तरह से लेके आए, तो वो उनका एक बहुत अनूठा योगदान था। उसको जिस तरह से भारतीय परिवेश में उन्होंने समाहित किया,
वो अनिल विश्वास का बहुत बड़ा योगदान था। मदन जी की बात करें तो उनके गीत संगीत में जिस तरह से पोएट्री को एक रिस्पेक्ट मिली और लोगों ने गजल को, जो शायरी है, उसके मायने उनके संगीत के तरह संगीत की वजह से लोगों तक पहुंचे, एक जो अच्छी क्लासिक शायरी है वो किस तरह से आवाम तक पहुंचे, तो मदन जी का एक बहुत बड़ा योगदान था कि गज़ल की विधा में तो उनको किंग कहा ही जाता है, लेकिन उनके गीत की जो मेलोडी थी कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर हम पुराने नाम लें तो जिस म्यूज़िक डायरेक्टर का काम सबसे ज़्यादा रिक्रिएट किया गया है पिछले 10 सालों में, वो उनमें से एक मदन मोहन है। वीरज़ारा देखिए, वीरज़ारा से लेके अगर आप अनुराग कश्यप की फिल्में देखेंगे, साहेब बीवी गैंगस्टर देखेंगे, लग जा गले जैसा गाना बार बार फिल्मों में बार बार रिक्रिएट किया जा रहा है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ओरिजिनल तो उन्होंने बनाया वहाँ पर, मेरा साया में अभी आपके रॉकिन रानी की प्रेम कहानी में भी चल रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन समय की सीमाओं को पार करके उनका म्यूजिक आज भी रेलेवेंट है, आज भी खड़ा है। और सी रामचंद्र की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से हमारे यहाँ रॉक एंड रोल एंड वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का एक किस्म की नींव रखी, शहनाई एक फिल्म थी, आना मेरी जान मेरी जान, संडे के संडे पहला गाना था जिसमें इंग्लिश का यूज़ किया था, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। और आज अगर आप आज के गाने देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिरिकल फॉर्म में वो श्री रामचंद्र के स्कूल की ही गानों की उस तरह की एक नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। तो श्री रामचंद्र ने लेकिन जहाँ शोर शराबे वाला, जो धूम धड़ाके वाला म्यूज़िक दिया, उनके जो गीत हैं मस्ती भरे गीत बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी जो मेलोडीज़ हैं लता मंगेशकर के साथ, ये तीनों लोग ऐसे थे जिनके पास अपने 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 हुनर, एक विशेष हुनर था, लेकिन जो भारतीय संगीत के लिए जो मेलोडी की आत्मा है तीनों उसमें बहुत विशेष योग्यता रखते थे। और कहीं ना कहीं इन तीनों ने आज भी उनके गीतों को जिंदा रखा हुआ है। उनको आज उनके जाने के, मदन जी का 100 साल अभी ये चल रहा है, इससे पहले श्री रामचंद्र साहब के 100 साल हुए, इतने साल बाद भी अगर हम किसी कल्चरल आइकॉन को याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं, तो वो अपने आप में एक सबूत है कि उनका हमारी संस्कृति में कितना बड़ा योगदान है। आपने पूछा है आज के दौर के संगीत को लेकर, एक जो बहुत बड़ी बात है आज के संगीत की अगर हम बात करें कि पिछले ज़माने में जो हम जिस गुजरे ज़माने की बात कर रहे हैं, अनिल विश्वास जी की बात कर रहे हैं, मदन मोहन जी की बात कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, राजेंद्र कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, उस दौर में संगीत क्रिएट किया जाता था, देवर क्रिएटर्स। आज की तारीख में केवल प्रोडक्शन हो रहा है, हम प्रोड्यूसर्स बन गए हैं जो म्यूजिक मेकर्स हैं, और जो सुनने वाले हैं उनके पास भी आज के गीतों को सुनने का समय नहीं है। वो गाना कहाँ सुनते हैं, जब तक उनकी गाड़ी चल रही है एंड आ गया तो वो गाना भी खत्म हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दे हैव मोर बिकम कंज्यूमर्स ऑफ द म्यूजिक। और कहीं यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले के लोग क्रिएट करते थे और सुनने वाले, उनके पास समय होता था उसको सुनने के लिए, उसको चेरिश करते थे। उन गीतों में आज भी पोएट्री उस लिहाज की है, उस मकाम की है, उन गीतों में आज भी जो मेलोडी है वो उस लेवल की है। एक और शायद कसूर जो रहा वो लता जी, आशा जी, किशोरदा, रफ़ी साहब, मन्ना दा, इन लोगों का रहा। इन लोगों ने कहीं वो बार इतना ऊंचा सेट कर दिया कि आज के जो लोग हैं वो उसको मैच नहीं कर पा रहे सिंगर्स में, जो जिसके थ्रू आवाज़ सब तक पहुँचती है। तो कहीं वो जो पुराने लोगों ने, और देखिए यहाँ सिनेमा का वो काम आता है, उसने आर्काइव करके रखा है, उसने काम बचा के रखा है, इसलिए अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे पिछले साल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुनी गई गायिका थी अलका याग्निक, जिन्होंने पिछले 15 साल में कोई गाना, एक आध गाना गाया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले दौर के म्यूज़िक का आज भी पहुँच है, आज भी रीच है, आज भी सुनने वाले हैं, आज के म्यूजिक का नहीं है। मतलब कि अब नए अच्छे गाने नहीं बन रहे, इसका ऐसा नहीं है। जी, जी। ऐसा नहीं है, अच्छे करने वाले हैं, लेकिन वो भीड़, प्रोड्यूसर्स की भीड़ इतनी जगह हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है। पहले के लोग जो थे, अनिल विश्वास की हमने बात की, मदन मोहन की हमने बात की, श्री रामचंद्र की हमने बात की, साथ में हम एस डी वर्मन की बात कर लें, जयदेव की बात कर लें, रोशन की बात कर लें, ये सब एक से बढ़कर एक थे, अपने अपने फन में माहिर थे। आज की तारीख में अगर आप भीड़ में देखेंगे तो आपको एक या दो ईमानदार कोशिशें दिखेंगी,
जिनमें एक्चुअल में ईमानदार है। नए लोगों में बात करें, देखिए अभी गुलजार साहब अभी लिख रहे हैं, जावेद अख्तर इस दौर में भी लिख रहे हैं, शंकर एहसान लॉय कुछ चीज़ों में अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, स्वानंद बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नए बच्चों में राजशेखर हैं, वरुण हैं, ये सब अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जो मौके हैं, मौके इतने कम हो गए हैं। और दूसरा क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी फिल्मों में भी वो गीत की जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई है। अब वो लिप सिंक वाले तो आपको गीत मिलेंगे ही नहीं कि कोई कैरेक्टर जो है वो लिप सिंक करके गा रहा होगा, आपस में कन्वर्स कर रहा होगा, जो भी गीत होगा वो कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, उसके पीछे बहुत सारे कमर्शियल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लॉजिक के भी फैक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स के। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन इन लेजेंड्स ने क्रिएट कर दिया पिछले 80 सालों के इतिहास में, वो फॉरएवर है, वो इमॉर्टल है, वो इतना, जैसे सोना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता ना, तो वो ये गीत सोने की तरह है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो सब कंजम्पशन के आइटम है, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऑफिस में जाते में वो गाना सुन लेते हैं, हमारा हो गया, रात में कहीं बैठे हैं तो सुन लिया, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास 4 मिनट रुक के गाना सुनने का समय नहीं है। पहले के समय में मतलब आदमी पूरे के पूरे, हमें याद है, वो रिकॉर्ड लगाया, फिर वापस उल्टा करके लगाया, फिर वापस उल्टा करके लगाया, या कैसेट लगाया तो फिर रिवाइंड करके पूरा से लगाया। आज के तारीख में तो एक गाना सुनने का भी टाइम नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या हुई, पहले जो म्यूज़िक आता था वो एक एल्बम की तरह से आता था, एक कंसोलिडेटेड यूनिट आती थी, इसमें बहुत सारे रंग होते थे, उसमें कवाली भी है, मुजरा भी है, उसमें शास्त्रीय भी है, गजल भी है। अब तो एक गीत रिलीज होता है एक हफ्ते में वो यूट्यूब पे, अगला गीत रिलीज होगा एक महीने बाद, और 4 गीत तो ऐसे होंगे जो फिल्म होने के बाद होंगे, तब आपको उस फिल्म का जो म्यूजिक एल्बम नाम की जो चीज़ थी ना वो गायब हो गई, जो अब वो एल्बम है ही नहीं पिछले 7-8 सालों में। आप देखेंगे एक आध गाना आपको बहुत सारी फिल्मों में अच्छे मिलेंगे, बहुत सारे, मैं आपको पिछले 10 साल के बहुत से गीत बता सकता हूँ जो अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत उंगली पे गिने जाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ 60 के दशक का, 50 के दशक का जो एवरेज स्कोर भी था ना, जिसको हम खराब भी कह सकते हैं, वो भी आज के स्कोर से बहुत बहुत बेटर था। उसकी जो रिटेन करने की वैल्यू थी, उसको चेरिश करने की जो वैल्यू थी, वो बहुत ज़्यादा है आज के म्यूजिक के बारे में, क्योंकि शायद वो इंटेंट गायब हो गई है उस बनाने के पीछे, जो पहले एक आर्ट फॉर्म थी, क्रिएशन की फॉर्म थी, अब वो प्रोडक्शन की फॉर्म हो गई है कि उसको चाहिए। पहले भी सिनेमा हमेशा से एक कमर्शियल मीडियम रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यही तो एक बड़ी बात है कि उस कमर्शियल मीडियम में भी आप उस आर्ट का स्कोप ढूंढ लेते हैं और उस आर्ट को घर घर तक पहुँचा रखने का मादा रखते हैं, जो आज की तारीख में ख़त्म। सर अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। मैं पवन झा हूँ, जयपुर से आया हूँ, और इलाहाबाद मुझे बहुत पसंद है, और खासकर ये 3 नाम जो अनिल विश्वास, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, 3 नामों में कहीं ना कहीं ऐसा जादू है, कुछ चुंबक है जो इनके नाम से यहाँ खींच के लाई है। इसलिए यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने उस विंटेज दौर के, उस गोल्डन दौर के उन 3 म्यूज़िक मेकर्स के ऊपर वो कार्यक्रम रखा है, और बहुत खुशी की बात है। कम से कम आज की तारीख में ये लोग ऐसा है कि लोग ये जानते हैं कि गीत, ये संगीत मदन मोहन का है, श्री रामचंद्र का है, शायद उस नाम से उनको अटैच नहीं करते हो, लेकिन गीतों को जानते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं जो श्रोता वर्ग होगा उनको शायद ये भी याद आएगा, अच्छा ये गीत मदन जी ने बनाया था, अच्छा ये गीत अनिल विश्वास का है, तो ये भी इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर लोग उनके नामों को, उनके काम को अपने साथ लेके जा सकें कार्यक्रम के बाद। तो बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, और इलाहाबाद में आके तो हमेशा दिल खुश होता है, आपका शहर इतना खूबसूरत है, और अभी हो रही बारिश ने तो और खूबसूरत बना दिया इसे, तो कल का इंतज़ार है। बाकी शुक्रिया। मैं आया हूँ थैंक्स टू डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, उन्होंने जो मतलब ये निमंत्रण भेज रखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब से इस प्रोग्राम में मतलब से शामिल हूँ। मेरा शामिल होना नॉट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सन, लेकिन मगर क्योंकि मेरे पिताजी ने मतलब से 75 से ज़्यादा फिल्में लिख रखे थे जो अनिल विश्वास जी, मदन मोहन जी और श्री रामचंद्र जी के लिए। सो इनफैक्ट मदन मोहन जी के लिए और श्री रामचंद्र जी के लिए मैक्सिमम वर्क राजेंद्र कृष्ण जी का ही, उस कारण से मतलब से मैं आया हूँ। अब देखा जाए, अभी शिखा जी ने कहा कि मेनली रिमेम्बर्ड ओनली फॉर सीने में सुलगते, उनके शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया, फ्रॉम द फिल्म आराम। बहुत कम फिल्में देखी थी उधर से अनिल रुशासी के साथ, क्योंकि 47 से उनकी फिल्में आने लग गई थी रजनी किशन जी का, एंड 55 के आसपास आई थिंक वो शिफ्ट हो गए थे। 63 अच्छा ओके। सो वो सभा और अदर सब टीम्स बन जाती हैं, टीम्स बन गई थी सी रामचंद्र जी के साथ, उनके सारे हिट्स आ गए। एंड दिल मुझे बता दे जो भाई भाई का था, मदन मोहन जी को साथ में ले गए थे टू द साउथ, एंड वो उनकी पहली फेक फिल्म थी कुछ तो 15 फिल्म के बाद अंदाजन से। एंड मदन मोहन जी के साथ तो मतलब वैसे बहुत अच्छा रिश्ता था, हम लोग सब करीब करीब ही रहते थे पेड रोड पर, एंड सारे शौक पंजाबियों के दोनों में मतलब थे ही इनफैक्ट उनके साथ में। उनके साथ ओम प्रकाश जी, ये एक त्रिकोण थी, ओम प्रकाश जी इनफैक्ट एक्चुअली शुरू से आखिर तक एक दोस्त रहे हैं पिताजी के, इनफैक्ट उनके गुजरने के बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मदन मोहन जी के साथ भी वो जो ट्यूनिंग उनकी रहती थी वो ऐसी थी कि गाने ये पहले मंगवाते थे, वर्ड्स पहले मंगवाते थे एंड फिर उनकी ट्यूनिंग करते थे उनको, मतलब उसमें ज़रा ज़्यादा मदन मोहन जी को रुचि थी। अपार्ट फ्रॉम कि उनके खुद के खाने के पकवान जिसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, वेरी फेमस हमें, इट्स अ पिटी कि हम लोगों को कभी बुलाया नहीं, हम भी नजदीक रहते थे। एंड उन लोगों में तो मतलब वैसे ऐसी थी कि मतलब वैसे वो पैशनेट इतने थे कि कभी कभार प्रोबेबली थोड़ी लाउड भी उनके कॉन्वर्सेशन हो जाती थी कभी कभी, शायद वो उसी कारण से उनकी फिल्मों में ये कॉम्बिनेशन रहती थी। तो ओम प्रकाश जी की फिल्म में जब रजनी कृष्ण जी और ओम प्रकाश जी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया में, तो मदन मोहन जी ने उन्हें पूछा फिर राइटर कौन होगा, और ओम प्रकाश जी कहते हैं कि सिर्फ वो तो जिंदर ही होगा, वो जिंदर कहते थे उनका, एंड मगर आप बात नहीं कर रहे हो तो वो मतलब से ड्राइवर के थ्रू और ऐसे बातें करके एंड उसकर आ गए थे। वैसे मतलब वैसे कई सारे अजीबो गरीब बातें हैं, कई साल बीच में मतलब वैसे वो फासला भी हो गया, शिफ्टिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, शिफ्टिंग ऑफ थोड़ी सी हो जाती है, यू नो देन कैंप्स की डिफरेंसेस हो जाती हैं ज़रा से, तो बीच में गैप्स काफ़ी आ गए। हालांकि मदन मोहन जी की लास्ट फिल्म भी पिताजी ने लिखी थी जो साहेब बहादुर थी, नॉट अ वेरी मेमोरेबल फिल्म, बट वो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी कि वो बहुत कम दोस्ती रखे हैं रजनी किशन जी ने फिल्मों में, एंड जो रखे हैं मतलब वैसे वो वहाँ तक निभाए हैं अपार्ट फ्रॉम द गैप्स जो आ रखे हैं। सी रामचंद्र जी के साथ वो मजाकिया मतलब वैसे ज़रा सा, क्योंकि वो भी ज़रा सा वैसे मजाकिया थे, शौकिया ही मजाकिया इनफैक्ट। सो मैं चाहूँगा कि आप सब NCZCC ऑडिटोरियम पे कल जरूर आएँ, बिकॉज इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम दैट दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू अगेन टू अलाहाबाद म्यूजिक क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा परिचय बता दीजिए। हाँ जी, नाम बता दीजिए। अच्छा जी, मैं हूँ राजेश दुगल, राजेंद्र कृष्ण जी का बेटा। राजेंद्र कृष्ण जी जो लिरिसिस्ट थे 1987 में, उन्होंने 1600 से ज़्यादा गाने लिखे थे और 260 फिल्मों से ज़्यादा, एंड 82 फिल्मों के कम डायलॉग भी लिखे हैं, और डायलॉग वो सिर्फ उन फिल्मों के लिखते थे जिसमें वो गाने लिखते थे, उसके बगैर उन्होंने मतलब सोचो कि कितने फिल्में उन्होंने छोड़ रखी होंगी, बिकॉज साउथ के बहुत सारे AVM 18 फिल्म मतलब सॉन्ग थे डायलॉग से। बोरा है और मैं अनिल विश्वास जी की इकलौती सुपुत्री हूँ तीन भाइयों के बीच, और बहुत आभारी हूँ डॉक्टर घनश्याम मिश्रा के इलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के, जिन्होंने हम तीनों को यह आमंत्रित किया है हमारे पूज्य पिताजी के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। और क्योंकि पवन जी ने इतना अच्छा समझाया है सब कुछ कि हमारा भी कुछ कहना लगता है कि इट्स जस्ट एक्स्ट्रा उन पर, यानी कि मगर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हाँ जैसे उन्होंने बताया कि अनिल दा को विश्व पितामाज इसलिए माना जाता है कि 1935 से साउंड जब 1931 में आया, उसके बाद से उन्होंने संगीत देना शुरू किया, तो शायद वो उस स्थान पे खड़े हुए थे जहाँ उन्हें मौका मिला, शायद वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें मौका मिला कि बहुत सारे संगीत के अंगों को वो एक साथ पेश करें सिनेमा में, और एक लोक संगीत के यानी कि रूप में जो आम इंसान को समझ में आए और संगीत के साथ वो जुड़ जाए एक तरह से। तो आजकल जैसे बाबा ने एक बार कहा था
आजकल का संगीत भी है वो संगीत या विस्मरणीय है, आजकल का संगीत थोड़ा विस्मरणीय है पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक बात कहा था कि आजकल के संगीत में पांव उठे रखते हैं मगर दिल नहीं धड़कते, और ये दिल धड़कने की वजह होती थी इमोशन के उन पुराने फिल्मों में कहानियाँ होती थी, कुछ संस्कार होते थे, कुछ इमोशंस होते थे, फीलिंग्स होते थे, और कहानी के अंदर बहुत सारे मौके मिलते थे आपको तरह तरह का संगीत देने के लिए, जैसे लोरी हो गई, जैसे कोई फोक डांस हो गया, कोई होली का अवसर हो गया। आजकल ज़्यादातर एक्शन बेस्ड फिल्में हैं, बहुत फास्ट पेस्ड फिल्में हैं, और लोगों का भी ध्यान थोड़ा सा यानी कि इतना विस्तृत नहीं है कि आराम से बैठ के, जैसे हम सुनते थे रात को कैंडल लाइट में या हल्की सी रोशनी में पुराने गाने जो सेंटिमेंटल गाने थे जो दिलों को छू जाते थे हमारे, और आज कल के गाने को रुलाते नहीं हैं कुछ। मैं आज भी कोई पुराना गीत सुनती हूँ, कोई एक गाना मैंने अभी रिसेंटली सुना फिल्म राखी का, या मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, वो गाना सुनते ही मेरे आंसू निकल आए। आजकल ऐसा कोई गाना आप सुनेंगे नहीं जिससे आप रो पड़े लिटरली, हालांकि मैं बताऊँ कि लिरिकल क्वालिटी बहुत खूबसूरत है आजकल के गीतों में, लेकिन जो कहा वो कर गए हैं, एक माइलस्टोन कर गए। आप मैं कभी कभी सोचती हूँ कि स्वर्णिय युग हम कहते हैं उस दौर को, जैसे उन्होंने बताया वो स्वर्णिय युग कैसे बना है, कैसे एक ही समय पर इतने सारे महान कलाकार इस धरती पर उतारे एक ही साथ, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, या लिरिसिस्ट हो, या संगीतकार हो, गायक हो, गाने सब ऐसे ऐसे आंसू लोग इसको कहेंगे ना, धुआंधार लोग जो कुछ करके गए, कुछ करके दिखाने का उनका मकसद नहीं था मगर करके गए बिकॉज ईमानदारी थी उनके काम में। तो ये चीज़ें अगर हम कल समझा सके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी है आज तक लोगों को पहुँचाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग जानते नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा का एक ही गाना है जो बहुत लोग आज भी गुनगुनाते हैं, ये सिग्नेचर सॉन्ग सीने में सुलगते हैं, वही गाना शायद जानते हैं, बाकी गाने इतने तारुफ नहीं है। लेकिन मेरे बाबा हमेशा ये कहते थे कि अगर मेरा एक गीत भी किसी एक इंसान को भी छू गया तो मैं धन्य हो गया, मैं समझूंगा कि मैं अपने काम में सफल हो गया। तो चाहे वो एक ही गाना सुने और तब भी हम यानी कि मन में इतने प्रसन्न होते कि हमारे बाबा का गीत को लोग पसंद कर रहे हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड, हम तीनों आए हैं, मैं बम्बई से आई हूँ और जगह जगह से आए हैं, कि हम तीनों अपने पिता के जो मेमोरीज हैं, उनके गीत हैं, उनका काम है, उसको एक साथ लोगों तक दोबारा हम दोहरा सकें। जाते तो हैं लोग, तभी तो आएंगे, मगर हम दोहराएंगे उनके साथ मिलकर तो बहुत आनंद आएगा इस बात। मैं जयपुर से आई हूँ, अलाहाबाद म्यूज़िक क्लब के सौजन्य से जो कार्यक्रम कल होने वाला है उसमें भाग लेने के लिए। मैं स्वर्गीय मदन मोहन जी की बेटी हूँ और उनके साथ अनिल विश्वास जी, सी रामचंद्र जी और राजेंद्र किशन जी पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है कल, उसमें मैं भाग लूँगी जैसे कि मैंने अभी कहा। और आशा है आप सब जो श्रोता आएंगे उस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे और अपनी गानों की यादें साथ में लेकर जाएंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो कि उनके जाने के 50, 60, 70 साल भी उनका संगीत चल रहा है और लोग उनको याद करते हैं। तो आशा है आप सब उसको उसका मज़ा लेंगे और प्रोग्राम का आनंद लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।